कानपुर के बर्रा थाना के अंतर्गत बर्रा 6 में भू माफियों के हौसले बुलंद। कमिश्नर साहब और आला अधिकारियों के आदेश ठेंगे पर दर दर भटक रहे आश्वासन के सहारे जी रहा है असली वारिस। जी हां, बर्रा 6 में भू माफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह एक कमजोर बेबस इंसान की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। प्रार्थी दीनदयाल मिश्रा, जो कि एक पेशे से एक किसान हैं, 1980 से भटक रहे आला अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हैं और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। क्षेत्र के भू माफियों बर्रा थाना के हिस्ट्री शीटर पूर्व पार्षद विष्णु कुमार उर्फ पंगु यादव, अजय पटेल, शिव बाबू, विभा सचान और सुमन पटेल की दादागिरी इतनी है कि उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर की जमीन, जो सरकारी दस्तावेजों में तालाब में दर्ज है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। कई इलाकाई लोगों ने उनकी शिकायत पर प्राथमिक का यह कहना है कि वो लोग पैसा खिलाकर फाइल दबा देते हैं। क्या पुलिस कमिश्नर साहब का डर नहीं है इन भू माफियाओं को? अब देखना है कि खबर चलने के बाद प्रार्थी को क्या न्याय मिलता है या नहीं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता क्राइम रिपोर्टर गौरव पासवान के साथ हबीबुर रहमान की खास रिपोर्ट कानपुर से। तो इसके बाद कोर्ट में उन्हीं लोगों ने ये मुकदमा दायर किया था, उन्हीं लोगों ने साबित किया था कि तालाब मंदिर की संपत्ति है ना, मतलब इनके द्वारा में किया गया था। अब इनको हटा करके क्या मामला है आपका? हमारा जमीन का मामला है। और क्या जमीन का क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी जमीन के लिए छोड़ी गई थी, वो अभी भी पुश्तैनी जमीन हमारी है, वो पड़ी हुई है जमीन। तो उसमें पंकु यादव, विभा सचान और अजय पटेल, विनय सचान, सुमन पटेल और विष्णु कुमार आदि ये भू माफिया हैं। ये हमारी कम से कम वहाँ पर 10 बिस्वा जमीन पड़ी हुई है जो अवैध कब्जा कर लिया हमने। कमिश्नर, सचिव, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, DM सबको दे चुके पर कोई सुनवाई नहीं है। और हम गरीब गरीब घर के हैं तो हमारा कोई सुनने वाला वहाँ पर कोई है नहीं। सबको दे चुके पर कोई, इतना उनके पास पैसा है कि वो सुनी नहीं रहे। अवैध निर्माण का देखो 30-29 को और 20 को आर्डर भी हो चुका गिराने को, पर उतना पैसा वहाँ पर लगा लगा के सारी फाइल दबा रखा है और कोई साहब हमारी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। इतने लोगों के आपने नाम बताए हैं, हाँ, ये लोग कौन है? ये सब एक तो आदमी विष्णु कुमार पंगू, ये है गाँव के और जो वही बर्रा 6-2 में रहते हैं। ये है क्या कहते हैं, अजय पटेल, शिव बाबू, विभा सचान और सुमन पटेल, ये जबरदस्त भाई इनके पास पैसा है। अभी देखो राजनीतिक संबंध है, हाँ राजनीति भाजपा के सब संबंधी से, कोई भाजपा से है, कोई सपा से, सब अलग अलग पार्टी से ये संबंध इनका है। आपने आला अधिकारियों से जो शिकायत करी उसे क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं, बस ले लेते हैं, लिख देते हैं थाने को, वो सचिव को लिख देते हैं, वो उपाध्यक्ष को लिख देते हैं, देते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं पर, कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब फाइल दबा रखी है। क्या चाहते हैं आप फिर? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है उसे भू माफियों से मुक्त करा के हमको कब्जा दिलाया जाए। और जो बिल्डिंगें बना रखी हैं अभी 2 दिन में, अभी 30 तारीख को हमको अभी 2-3 दिन हुए, फोन नंबर पर हमारे पे फोन भी आया था, धमकी दी थी कि अगर तुम ज़्यादा दौड़ोगे, अधिकारियों के पास जाओगे तो तुमको फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा और तुमको जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ये जो कार्रवाई 30/9/2020 को गिराने की हुई है, हाँ, जो सिर्फ कागजी तौर पे हुई है, वो कागजी तौर पे हुई, फाइल सब विकास पार्षद में दबा रखा है, नीचे के बाबू लोग सब मिले हुए हैं, कुछ गांव के लोग हैं कर्मचारी जो उनसे मिले हुए हैं और वो सब मिल के सब पैसा वहाँ चल रहा था, 45-50 लाख रुपए अवैध निर्माण वो एक बेच रहे हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, वो 10-20 लाख वहाँ के ADM फेंक देते हैं, फाइल वही दबी पड़ी है, कोई आदेश नहीं हो रहे हैं, वो खाली खाना पूरी हो रही है और कोई साहब सुनने वाला नहीं है। हम तो गरीब आदमी साहब, हमारी जमीन वहाँ से भू माफियाओं से मुक्त करा के और हमको साहब जमीन हमारी वापस कराई जाए और कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, कोई भी DM का मंदिर में कब्जा, हाँ तालाब में भी है, तालाब में वो जो तालाब है वो उनको बंजारों का बनाया हुआ, वो जो अपना कहते हैं वो मंदिर, वो कम से कम 150-200 बरस के ऊपर वो बंजारों को बनाया हुआ मंदिर है, वहाँ पर तालाब था कम 8-10 बिस्वा का, उसमें भी 3 खंड की बिल्डिंग बना दी उन्होंने जबरदस्ती, वो भी जमीन हमारी है पर वो तालाब के भी कोई, तालाब के बहुत आदेश हुए जैसे साहब हम ये बता रहे हैं तो इसे सब आदेश दबे पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है, मंदिर तो सब बंजारों को बनाया हुआ, वहाँ उनको कोई सुनवाई नहीं होगी।
अब देखो साहब क्या होता, हम आपके पास आए प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हाँ साहब, प्रशासन यही से चाहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो, हमारी जमीन खाली कराई जाए और उनको धोती करण के हमको साहब कब्जा कराया जाए। टट्टर भी लगाए हैं, वसूली भी करते हैं, जमीन हमारी है, हम दौड़े दौड़े घूम रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। एक नहीं साहब, हजारों पत्र दे चुके हैं KDA में, KDA में DM के यहाँ पर हमारा साहब भरा पड़ा।